दोस्तों ढूंढ ढूंढ के थक गया है बीसीसीआई, पर पांड्या जैसा कोई नहीं मिला उसे। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं हार्दिक पांड्या और बीसीसीआई के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बीसीसीआई अक्सर एक चीज के तलाश में रहती है कि कभी ना कभी उसे हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर मिल जाएगा, क्योंकि कभी वह वेंकटेश अय्यर की तरफ जाती है, कभी शार्दुल ठाकुर की तरफ और कभी दीपक चहर की तरफ। लेकिन अभी भी अय्यर और यहां पर शार्दुल ठाकुर और साथ ही साथ दोस्तों दीपक चहर जैसे खिलाड़ियों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उससे तो यही लग रहा है कि अभी भी भारतीय टीम और बीसीसीआई को हार्दिक पांड्या की कमी कर रही है। इसको लेकर हार्दिक पांड्या ने बहुत बड़ा जवाब दे दिया। दरअसल दोस्तों हार्दिक पांड्या ने एक बार एक रिपोर्ट में बताया है कि वो अपनी सभी ही कमजोरियों पर काम कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने बयान जारी कर कहा है कि वो आईपीएल तक पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो बायो बबल में नहीं रहना चाहते हैं, इस वजह से वो अलग हटकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो बीसीसीआई के सभी मापदंडों पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि वो टाइम लेने की वजह से टीम इंडिया में काफी क्रिटिसाइज भी किए जा रहे हैं, लेकिन उनका टाइम लेने का समय जो लेने का जो एक तरीका है वो कोई गलत तरीका नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके समय लेने का कारण है वो अपनी फिटनेस पर और अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि टीम इंडिया में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो और अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हो सके। दोस्तों हार्दिक पांड्या का मानना है कि जैसे जिनकी बॉलिंग हो गई, फिटनेस हो गई, उन पर वो बहुत अच्छी तरीके से टाइम लेना चाहते हैं और हर चीज की सुधार तभी हो सकती है जब आप किसी चीज पर टाइम देंगे। ऐसे में हार्दिक पांड्या ने यह बयान जारी किया। आपके हिसाब से क्या पांड्या को टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।